नमस्कार दोस्तों, आज मैं ये जो हमारा टाइफन वेगे का प्लांट है ये थोड़ा ऊपर से देखिए काफ़ी लंबा भी हो गया और डंडा जैसा बन गया है। तो मैं इसको यहाँ से देखो नीचे से इसकी काफ़ी पत्तियाँ उग चुकी हैं, तो ये वाली जो है इसको तो हम काट देंगे क्योंकि ये ब्राउन हो रही है। कुछ कुछ पत्तियाँ इसकी ब्राउन हो रही हैं और ज़्यादा मुझे लग रहा है इसके लिए ये गमला बड़ी इसके लिए छोटा पड़ता है या फिर कुछ है। तो मैं इसकी जो ये लंबी जा रही है ये वाली इसको मैं कट कर देती हूँ और इससे हम दूसरा प्लांट बना लेते हैं। और क्योंकि मैं ऑलरेडी इस तरह के चार पांच बना चुकी हूँ, देखो ये यहाँ से भी नॉट निकल रहा है। ठीक है, देखिए ये हमने पूरा इसका डंडा काट लिया और उसके इसमें देखो ये ऐसे था तो ये भी हमने एक अलग कर लिया। इसमें से भी और उग जाएगा और इससे भी और दूसरा हम उगा लेंगे और ये देखो इस तरह का हो गया है। अब ये हमने मिट्टी तैयार है, अब ये मिट्टी जो है तैयार है इसको बस हमको सीधे इसके अंदर इस तरह से गाड़ना ही है और कुछ नहीं करना। और इसमें धीरे आपको पानी बहुत ज़्यादा नहीं देना है क्योंकि अभी इसमें जड़ नहीं आई है। जब तक जड़ नहीं आएगी इसमें पानी कम देंगे और अभी बारिश का मौसम है तो ये आराम से लग भी जाएगा। बस इसमें मिट्टी जो है चारों तरफ इसको खड़ा करके इस तरह से लगानी है बस। और इसको भी इसी तरह किसी दूसरे गमले में हम इस तरह से ही डाल देंगे तो इसकी भी जड़ जब आ जाएगी तो ये भी बन जाएगा, अच्छा खासा मजबूत है ये। ये देखिए अब हमने इसके ये दो तो ये वाले प्लांट बन गए काफ़ी। ये देखो अब सुंदर लग रहा है, ये छोटा ही इसकी जो भी पत्ती वैसी काली सी हो रही थी और ब्राउन हो गई थी वो मैंने हटा दी है। तो देखिए यहाँ से और निकल जाएगा ये, और ये दूसरा जो मैंने आपके सामने अभी लगा के दिखाया था वो वाला है, और एक और है इसका वो मैंने इसके अंदर डाल दिया है जो बीच में से ही कट किया था। तो इन सब में इस तरह से उग जाएगा बस। तो मैं यही दिखा रही थी आपको डाइफन वेगिया कि मैंने आज ये दो एक से तीन प्लांट कर दिए हैं। पहले भी देखो हमारा तीन चार प्लांट और इसी तरह मैंने उगा लिए थे। तो बस यही आप कर सकते हो, अगर आपका बहुत ज़्यादा बड़ा सा हो रहा है तो उससे आप इस तरह से उसको मल्टीप्लाई कर सकते हो।